नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य कंप्यूटर और टेक्निकल नॉन टेक्निकल ज्ञान को बढ़ाना है, और इसलिए सभी हमारे सभी वीडियो निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल शुभम अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम आज देखते हैं मेस वर्ड के अंतर्गत जो है कि उसका पेज लेआउट मेन्यू। इसके पहले हमने इंसर्ट मेन्यू को समझा था, जिसके सारे ऑप्शंस देखे थे, और होम मेन्यू को भी हमने समझा। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें हैं आप अवश्य देख लें, सीरियल क्रम में हमारे सारे वीडियोस लोड हैं। चलिए तो हम पेज लेआउट को देखें, तो इसकी उपयोगिता पेज फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित है, और होम के अंतर्गत भी हमने पेज फॉर्मेटिंग को देखा था, जिसके कुछ टूल्स थे उसके अंतर्गत, और होम मेन्यू के अंतर्गत हमने फॉर्मेटिंग को समझा था, लेकिन उससे संबंधित कुछ ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये थीम इसमें दे रखा है। जिस प्रकार आप मोबाइल और कंप्यूटर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में थीम का यूज़ करते हैं, इसी प्रकार डॉक्यूमेंट फाइल में भी आप डिफरेंट थीम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे मेट्रो हम थीम लेते हैं, तो ये थीम इस पर हमारे डॉक्यूमेंट पेज पर लागू हो जाएगी। अब इसका थीम का जैसा भी लेआउट होगा वो हम हमारे डॉक्यूमेंट पर लागू होगा। हम दूसरा यहाँ पे थीम लेते हैं, शायद इसका भी कलर लेआउट वाइट है, हम और भी डिफरेंट थीम्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। सर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। अगला मार्जिन है, मार्जिन को हमने प्रॉपर देखा था। मार्जिन यदि हमको सेट करना है तो यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। ये सारे मार्जिन प्री डिफाइन मार्जिन है, 1.27 1.27 का मार्जिन है, 2.5 का है, 2.54 का है, 5. तो ये है। आप यदि आप मिरर में भी कर सकते हैं इसको, और कस्टम से बना भी सकते हैं आपको, यदि पर्टिकुलर डिफाइन करना है। जैसे हमें 2.5 का टॉप में मार्जिन चाहिए, 2.5 या 2.0 जो भी हो सकता है, और बॉटम में हमें 1.5 का ही चाहिए, लेफ्ट में 1.5 चाहिए, राइट में 1.5 चाहिए, तो हम ये मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। पेज को कैसे प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये भी हम सेट कर सकते हैं। पेपर कौन सा है, अलग अलग साइज़ के मार्केट में पेपर आते हैं, A4, लीगल लेटर, तो ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी जो भी पेज की साइज़ है उसके हिसाब से। लेआउट के अंतर्गत सेशन कहाँ से स्टार्ट हो, न्यू पेज से स्टार्ट हो, न्यू कॉलम से स्टार्ट हो, ऑड इवन पेज से कर सकते हैं। उसी में डिफरेंट ऑड इवन हेडर, ये हेडर के लिए लागू होगा, जो हमने हेडर फुटर वाले वीडियो में समझा था। डिफरेंट फर्स्ट पेज, यह भी हेडर फुटर वाले उस ऑप्शन में हमने इसको समझा था। उसका इंच वगैरह भी हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, ये भी हेडर फुटर में हमने समझा था। वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप से स्टार्ट हो या सेंटर से हो, जो डेटा हम लिखते हैं तो अधिकतर कहाँ से, टॉप से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइन नंबर हम लागू कर सकते हैं, लाइन नंबर को क्लिक करेंगे, एड लाइन को क्लिक करेंगे, और स्टार्ट 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, और इसमें भी रिस्टार्ट इच पेज, पेज पर रिस्टार्ट हो जाए, अगले पेज पे जाते हैं, या सेक्शन पर जाकर के रिस्टार्ट करें। कंटिन्यू हम नंबर लगाना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 के फॉर्मेट में नंबर आते जाएंगे। आप इसे ओके करें, लागू हो जाएगा। ये 1, 2, 3 आ चुके हैं, यहाँ पर जैसे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये अब रीसेट नहीं होगा, अगले पेज पे 22 आ गया 21 के बाद, तो इस प्रकार से नंबरिंग आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो ये मार्जिन के अंतर्गत आपको कस्टम पर जब जाएंगे तब पेपर सेट पेज सेटिंग मिलेगी। हमने इसको देखा भी था पहले, होम पेज के अंतर्गत हमने देख लिया था इसको, लेकिन लेआउट के अंतर्गत यहाँ पर प्रॉपर सेटिंग है जिसके माध्यम से आप इसकी सेटिंग सेट कर सकते हैं। लेआउट से ही बॉर्डर वगैरह भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए, एक बॉर्डर और एक पेज बॉर्डर है, जो ओनली बॉर्डर है ये टेक्स्ट के लिए लागू होता है। तो टेक्स्ट के लिए यदि आपको कोई सी बॉर्डर इसमें से लेना है तो वो बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कलर वगैरह आपको यदि निर्धारित करना है तो वो कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जो टेक्स्ट होगा जहाँ पर कर्सर यदि सिलेक्ट होगा तो पूरे टेक्स्ट पर, नहीं तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी, तो ये टेक्स्ट बॉर्डर है। दूसरा इसी प्रकार पेज बॉर्डर भी होता है, तो वही कस्टमाइज मार्जिन के अंतर्गत जाएं, लेआउट में जाएं, यहाँ पर बॉर्डर के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन है पेज बॉर्डर। यदि पेज के चारों तरफ करना है, शेडो बॉर्डर लेना है, उसका स्टाइल आप क्या लेना चाहते हैं वो यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। उसका कलर वगैरह भी आप ले पाएंगे, और यहाँ पर आर्ट के अंतर्गत
ये डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर है, यदि आपको ये चाहिए तो आर्टिक के माध्यम से भी आप भिन्न प्रकार की बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। ओके कीजिए, ये देखिए आप बॉर्डर के चारों तरफ सेट हो गया है। इसको देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू से आप देख भी सकते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू को यूज़ करते हैं। आप यदि हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा एमएस वर्ड अच्छे से आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। और यदि कोई समस्या आती भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो बना करके आपको उसका हल बता सकें। चलिए, तो ये आपका बॉर्डर यहाँ पर सेट हो गया है। लैंडस्केप हमारा पेज था, उसमें हमने इसको सेट किया है। तो मार्जिन के अंतर्गत, कस्टमाइज मार्जिन के अंतर्गत, लेआउट के अंतर्गत, बॉर्डर के अंतर्गत हमने सेट किया था। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बॉर्डर आप यहाँ पे ले सकते हैं। बॉर्डर में मार्जिन वगैरह छोड़ना है तो ऑल डॉक्यूमेंट पे छोड़ना है, या दिस सेशन पे छोड़ना है, फर्स्ट पेज ओनली पे छोड़ना है, तो वो मार्जिन आप लागू कर सकते हैं। और उसे लागू करने के लिए ऑप्शन में जाएं, यहाँ से आप मार्जिन बढ़ा सकते हैं, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, आप यहाँ से मार्जिन अच्छे से बढ़ा पाएंगे। इसमें भी एक पेज के ऊपर लागू हो, टेक्स्ट के ऊपर लागू हो, तो ये भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी मार्जिन को लागू करवा सकते हैं और उतना स्पेस वो छोड़ देगा। ओके करें तो ये मार्जिन यहाँ आप देखेंगे, ये बॉर्डर के पास में मार्जिन कुछ आ गया है और स्पेस भी हमें कुछ ज़्यादा मिल रहा है। ये डिपेंड करता है हमें कितना मार्जिन चाहिए उसके ऊपर। देखो लाइन यहाँ पर ऊपर पहुँच चुकी है क्योंकि हमने टेक्स्ट मार्जिन कम कर दिया है। तो कस्टमाइज़ के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। ये बॉर्डर के अंतर्गत इसी में शेडिंग ऑप्शन भी मिलता है। बैकग्राउंड में यदि शेडो चाहते हैं आप, तो किस स्टाइल डिजाइन में चाहते हैं उसका कलर वगैरह भी आप निर्धारित कर पाएंगे, और उसका जो भी कलर आप लेना चाहते हैं फिल इफेक्ट के माध्यम से, तो वो आप निर्धारित कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए कि यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके नीचे पीछे शेडो आ रहा है, शेडिंग के माध्यम से आपने बैकग्राउंड निर्धारित कर दिया है। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं लेआउट के अंतर्गत, बॉर्डर के अंतर्गत, शेडिंग ऑप्शन के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट पर ये लागू, पैराग्राफ पर लागू हो, ये कर सकते हैं। इसी में हॉरिजॉन्टल लाइन भी आती है, कई बार हम बॉर्डर नहीं चाहते हैं, कुछ स्पेशल लाइन चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ आप कर पाएंगे। ये प्री डिफाइंड लाइनिंग है, जो भी आप लाइन लेना चाहते हैं वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये बनी बनाई लाइनिंग है, ओके कर सकते हैं। इनमें बस ये स्पेशल पेज के लिए ही लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ये बॉर्डर नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में कस्टमाइज पे जा करके हम बॉर्डर को भी फिलहाल हटा देते हैं। पेज बॉर्डर पे जा करके हम जो है कि नन ऑफ दिस कर देते हैं इसको। हम ओके कर देते हैं, ये देखिए हट चुका है। अब यदि आप इस पे ये स्पेशल लाइन का फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं, बनी बनाई जो रेडीमेड लाइन मिली है, तो इनको आप, इसके लिए भी आपको वार्पिंग पहले इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बिहाइंड या इनफ्रंट कर दीजिए, सॉरी हम इनफ्रंट ही करें, बिहाइंड तो कर नहीं सकते, हमें दिखाना उसे। और इसके बाद इसको आप ऐसे खींच करके पेज के चारों तरफ, लेकिन ये सभी पेजेस पर लागू नहीं हो पाती है, ये पर्टिकुलर कोई स्पेशल पेज बनाना है तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया। इसी प्रकार नीचे भी इसको लगा सकते हैं आप, नीचे ले जा करके, और लेफ्ट राइट में लगाना है तो इसको रोटेट करके और फिर आप पेज के लेफ्ट में और राइट में लगा सकते हैं। ये जहाँ भी आप चाहेंगे वहाँ लग जाएगा उठा करके आप, पर तो इसका मेन चीज़ है कि आप वार्पिंग अवश्य सेट कर दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी ये आसानी से नहीं लग पाएगा। तो ये हमने पेज लेआउट के अंतर्गत मार्जिन देखा। ओरिएंटेशन के अंदर यहीं से डायरेक्टली भी आप पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइज से पेपर का साइज यहीं से डायरेक्टली भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एनवलप वगैरह साइज में आपको चाहिए ये भी ले सकते हैं। दूसरा कॉलम, कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम कॉलम को अच्छे से समझते हैं। कई बार हमें ये निर्धारित करना होता है कि
जो पेज हम ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं, उसमें कोई डाटा लिस्ट ही है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे आइटम हैं हमारे पास, जैसे हम अभी बना लेते हैं, सीपीयू है, रैम है, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। और इस प्रकार का हमारे पास बहुत सारा डेटा है, और जो एक से अधिक पेजेस में आ रहा है, माना कि ये आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन हमारे 4-5 पेज यहाँ पे हो चुके हैं, 12 पेजेस सॉरी। तो अब यहाँ पे ये जगह यहाँ से यहाँ तक की पूरी खाली है ये, तो हम चाहते हैं कि ये नीचे की जो लिस्ट है ये यहाँ पे आ जाए। यानी 1-2-3 का यदि नंबरिंग फॉर्मेट भी आप लेते हैं, हम इंसर्ट में पेज नंबर से, हमने जिसे समझा था सीखा था, हम पेज नंबर से इसको इंसर्ट भी कर लेते हैं। और यहाँ पे बुलेट्स नहीं आ रहा है, होम के अंदर का सॉरी समझा था हमने, ये नंबरिंग है तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ठीक है, ये नंबरिंग है। तो नंबर के अनुसार चलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आगे तो अगले पेज में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यदि ये उठ करके यहाँ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे यूज़ हो जाएगी। तो आप ऐसे इसमें पेज लेआउट में ये कॉलम को क्लिक करें, यहाँ को 2 कॉलम कर दीजिए, तो पेज 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। ये देखिए आप, 45 के बाद 46 यहाँ पे आ गया, है ना। यानी जो 12 पेज हो रहे थे, अब देखिए 4 पेज में डेटा आ रहा है, ये 1 of 4 है यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि आप पेज की बचत भी कर सकते हो, डेटा व्यवस्थित तरीके से भी आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 3 कॉलम में कर दीजिए, 3 पेज ही हो गए, यानी जो 12 पेज थे वो मात्र 3 पेज में वो डेटा आ रहा है। तो इस प्रकार से कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा ऑप्शन से यहाँ पर है कॉलम का। ब्रेक को हमने देखा था, पेज ब्रेक लेना है, कॉलम ब्रेक लेना है, टेक्स्ट वर्पिंग पेज लेना है, तो सीधे अगले पेज पे ये पहुंच जाएगा, उतना सेशन दे देगा। ये लाइन ब्रेक लेना है, कंटिन्यू लाइन रखना है तो कंटिन्यू में स्टार्ट कर सकते हैं आप, रिस्टार्ट करना तो रिस्टार्ट, यहाँ से डायरेक्टली भी फॉर्मेटिंग दे रखी है ना। हाइपरनेशन को हम आगे देखेंगे, ऑटोमेटिकली सेट करेगा, तो इसकी उपयोगिता आगे हम देखते हैं। अगला आता है वाटरमार्क। हम चाहते हैं कि कई बार हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और उसकी कोई कॉपी नहीं कर पाए, तो हम वाटरमार्क लगा देते हैं ताकि हमारा नाम उसमें हमेशा रहे। तो वाटरमार्क को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी वाटरमार्क आप लेना चाहते हैं, ये आ गया है वाटरमार्क, रेडीमेड आ गया है। यदि आप अपना नाम चाहते हैं तो वाटरमार्क में जाएँ, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क मिलेगा, कस्टम वाटरमार्क को क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर आप अपना डेटा असाइन कर दीजिए, ये, और उसका कलर वगैरह भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, डार्कनेस वगैरह तो वो भी कर सकते हैं, हालांकि लाइटली रखना है क्योंकि हमारे डेटा दिखना चाहिए। तो ये वाटरमार्क आ गया, तो बहुत आसानी से आप वाटरमार्क डिफाइन कर सकते हैं। इस वाटरमार्क में यदि आप कोई इमेज वगैरह चाहते हैं तो वो भी कस्टमाइज में जाएँ, और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे आप ले लीजिए पिक्चर वाटरमार्क, पिक्चर में सिलेक्ट पिक्चर को क्लिक करें, और जो भी पिक्चर आप इसमें असाइन करना चाहते हैं वो पिक्चर ले लीजिए, जैसे हम सब्सक्राइब वाला ले लेते हैं अभी फिलहाल। तो ये बहुत लाइटली आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिफाइन करेगा। ये देखिए, सब्सक्राइब नाउ शो होम अकेडमी, इस प्रकार के हमारे नोट्स बन सकते हैं, और बहुत अच्छा वाटरमार्क आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेज का यदि वाटरमार्क की जगह कलर चाहते हैं तो पेज कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वाटरमार्क उसमें भी आएगा, लाइटली पेज सेट कलर करें। पेज की बॉर्डर हमने देखा था, यहाँ से भी आप पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेज को सेट कर सकते हैं। इसके बाद इंडेंट को मैंने आपको अच्छे से बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में, स्पेसिंग वगैरह को भी हम देख चुके हैं, पोजीशन वगैरह भी हमने, ये सारे ऑप्शंस इस प्रकार से प्रॉपर इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखें, ताकि आप सारे जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे और MS वर्ड के अंतर्गत एक्सपर्ट बन पाएंगे। साथियों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले अपने पोर्टल पर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।